जय जय जकारण सृष्टि उभारण मम कृपारण जय 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 ते गौ जय जय जकारण सृष्टि उभारण मम कृपारण जय 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 ते गौ। हाँ जी सरदार गुरचरणजीत सिंह लंबा जी, आप ये बताइए कि एक शख्स को, चाहे वो किसी भी जगह का हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, उसको जीने के लिए सेल्फ डिफेंस की कितनी ज़रूरत है? जीने के लिए मौत चाहिए, मौत के बिना ज़िंदगी नहीं है। और अगर उसमें ताकत नहीं है, ना उसे को जीने देगा ना उसे को मरने देगा। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने जो पहली शर्त रखी प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए, वो ये थी। उन्होंने ये कहा, उनके अपने वचन हैं, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। ये बहुत हैरानी होती है कि गुरु नानक देव जी के ये शब्द हैं, उनकी वाणी है कि अगर तुम्हें प्रेम करना है तो तुम्हें मौत के लिए तैयार रहना होगा। गुरु अर्जन देव जी के लफ्ज हैं, उनकी वाणी है, पहला मरण कबूल जीवन की छड आस। ये जिंदगी और मौत में फर्क जब मिट जाता है तभी वो आदमी सही जिंदगी जी सकता है। यही बैसाखी का संदेश है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी ने जो कहा था, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ, तकरीबन 240 वर्ष उन्होंने इसका पाठ पढ़ाया। गुरु साहिबान ने, नौ गुरु साहिबान ने इसका उपदेश दिया और गुरु गोविंद सिंह जी ने इस पर अमल करते हुए उन्होंने नंगी तलवार निकाल के कहा कि जो प्रेम के मार्ग पर चलना चाहते हैं वो अपना सिर हथेली पे रख के आए। और जो इस मार्ग पर आए उनका नाम भी गुरु गोविंद सिंह जी ने प्यारे आशिक रखा। सो इसका मतलब ये है कि जो मार्ग गुरु नानक देव जी ने बताया वही मार्ग गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। भारतीय संस्कृति में काफ़ी समय से एक चीज़ प्रचलित हो गई थी, शायद बुद्ध मत का प्रचार हो जाने से, कि जननी जने तब भगत जन कह दाता कह सूर। अगर माँ ने बच्चे को जन्म देना है तो वो या तो सूरमा हो, कह का अर्थ है या, जननी जने तब भगत जन कह दाता कह सूर, या भक्त हो या सूरमा हो, मगर गुरमत ने इस चीज को नहीं प्रवान किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह कहा कि धन जियो तेह को जग में मुखते हर चित्त में जुद बिचारे। जो प्रभु का नाम हृदय में रखते हुए, उसको युद्ध की लालसा भी दिल में रखते हुए उन्होंने परमात्मा से जो वर मांगा, उन्होंने यही वर मांगा कि अत ही रण में तब जूझ वर। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो परमात्मा से वर मांगा, क्योंकि जिंदगी किसी के सबकी एक जैसी है, जन्म का तरीका एक जैसा है, जन्म का तरीका अलग नहीं हो सकता। इसीलिए भक्त कबीर जी ने भी बहुत कटाक्ष किया, ब्राह्मण जो तो ब्राह्मणी आया तो आन बाट का ही नहीं आया। जन्म का ढंग सभी का एक जैसा है, उस पर किसी का बस नहीं है। इसलिए गुरमत ने, गुरु साहिबान ने मौत के लिए जो अपना तरीका है वो मांगा है। हे रव, हे सास, हे करुणानिध, मेरी अभय बेनती सुन लीजिए, और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजिए, शस्त्रन स्यो अत ही रण भीतर जूझ मरो तो साच दीजिए। गुरु साहब ने जो वर मांगा परमात्मा से, अकाल पुरख से, वो यही कहा कि अरसिख हो अपने ही मन को, अरसिख हो, इसको उन्होंने कहते हुए कहा कि अत ही रण में तब जूझ मरो। यही लालच हो गुण तोहे उचरो, जब आव की औध निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। सो इसलिए जिंदगी और मौत परमात्मा के हाथ में है। जिंदगी वही जी सकता है जो मौत को भी उसी रूप में प्रवान करे, दोनों के फर्क को मिटा सके। और सबसे बड़ी चीज जो है, अगर वो आत्मविश्वास और सेल्फ डिग्निटी की जिंदगी नहीं जी सकता तो वो जिंदगी का कोई फायदा नहीं। खाली सांस लेने भर का मात्र जिंदगी नहीं है। इसलिए जो जिंदगी गुरु साहब ने जो दी वो आत्मविश्वास, अणख की जिंदगी, गैरत की जिंदगी जो है,
बेगैरत की जिंदगी से मौत हजार दर्जे बेहतर है, ये गुरु साहब का वैसाखी का उपदेश। तो सर, शस्त्रों की सिख धर्म में और मार्शल आर्ट एक किस्म का आर्ट माना जाता है, ये सिख धर्म में इतनी ज्यादा महत्ता रखता है जैसे आपने बताया, तो इसको हम क्या समझते हैं कि अभी ये पीछे जा रहा है या इसको अडॉप्ट किया जा रहा है? देखिए, जो तो जिस तरीके से अगर इसको हम अनुपातिक तौर पर लें तो जो हाल दूसरों का है उससे ज्यादा खराब नहीं, पर कुछ बेहतर जरूर है। क्योंकि जो रूप गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सिख का दिया था, उन्होंने जो रूप दिया था और आदेश दिया था, इह मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग न देवो दिदारे, उन्होंने ये कहा था कि बिना शस्त्र और केस के मुझे मत मिलो, बिना शस्त्र के संग न देवो दिदारे। यहां तक नहीं, उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि बिना शस्त्र के संग नरंग भेड जानो, बिना शस्त्रों और केसों के उस भेड़ की तरह समझो जिसकी ऊन उतार ली गई है। बिना शस्त्र के संग नरंग भेड़ जानो, गहे कान ताको किते लै सिधानो, उसे फिर जो कसाई है वो बूचड़ खाने खींच के ले जाता है। और ये हमारा इतिहास, भारत का इतिहास ये बताता है कि हजारों की तादाद में, लाखों की गिनती में वहां से जो भेड़े चराने वाले जो थे, रेवड़ चराने वाले, वो 20-20 के ग्रुप बना के आते थे और यहां से यहां की इज्जत को, जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा पाप की जंज ले काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो, जबरदस्ती यहां की सुंदरता, यहां की जवानी को भेड़ों की तरह हांक के ले जाते थे। अगर इसका कारण यही था कि ये मुल्क, ये देश शस्त्र विहीन हो गया, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पानीपत में लड़ाई हो रही है, मुगलों और पठानों की लड़ाई हो रही है, हमारे भारत का इतिहास है, बहुत पुराना नहीं है, वहां पर मुगल और पठान आपस में लड़ रहे हैं, जिसका जिक्र गुरु नानक देव जी ने किया है, मुगल पठाना भई लड़ाई, मुगल हैं और पठान हैं, दोनों बाहर से आए हैं, पठान अफगानिस्तान से आए हैं और मुगल जो हैं वो समरकंद से आए हैं, और भारत की दिल्ली की दहलीज पर, यहां पर आकर के युद्ध हो रहा है उनका आपस में कि भारतीयों पर राज किसने करना है, और यहां की जनता शस्त्रहीन होकर ये इंतजार कर रही है कि जो जीतेगा हम उसके अधीन होंगे। ये शस्त्र त्यागने का, शस्त्रों को छोड़ देने का जो बात गुरु गोविंद सिंह जी ने जो चेतावनी दी, बिना शस्त्र के संग नरंग भेड़ जानो, गहे कान ताको किते लै सिधानो, और उसे जो है, और उसका नतीजा ये निकला कि जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो हजारों की तादाद में मराठा लड़कियां जो थी वो यहां पानीपत से, उस समय फिर वो सिखों ने उनको छुड़ाया और हर एक को महाराष्ट्र में जाके उनके एक एक घर में पहुंचा के आए, जो हमारे देश का सुनहरी इतिहास है। और उसका इफ़्ज़ाना अगले साल, चूंकि अब्दाली ने फिर गुस्से में आकर हरमंदिर साहब को गिरा दिया, तब उसकी जो दोबारा नींव रखी गई, जब दोबारा उसकी तामीर हुई, सेवा हुई, तो वहां पर मराठा जो थे वो योद्धे और मराठा युवक वहां पर आए और उन्होंने उसमें सेवा में होलकर फैमिली और उन्होंने आकर के उसमें सहयोग दिया। सो ये हमारा इतिहास है। इस पर मैं एक बहुत सीधा सा, एक छोटा सा एक सवाल किया था, महात्मा गांधी जी ने कहा था मास्टर तारा सिंह को कि मैं तो ऐसा देश चाहता हूँ, ऐसी सरकार चाहता हूँ, ऐसा देश चाहता हूँ जिसमें फौज की ज़रूरत ना हो। तो मास्टर तारा सिंह जी का जवाब था, अगर कहीं पर ऐसा समय आ जाए किसी देश में फौज की ज़रूरत ना हो, तो मेरा ख्याल है कि उस देश में फिर सरकार की भी ज़रूरत नहीं है। सो शस्त्रों के बिना ना अस्मिता कायम रह सकती है, ना इज्जत कायम रह सकती है। और इस बात को महसूस किया 1942 में, जब देश के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हम फौज में भर्ती नहीं होंगे, तो उस समय सिख लीडरशिप की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने कहा कि अंग्रेज जाने वाले हैं, आने वाले समय में सब कुछ फौज पर निर्भर होगा। और वो समय था जब बहुत बड़ी गिनती में सिख फौज में भर्ती हुए
और उसका नतीजा सारे देश ने देखा। 1947, 1965 और 1971 तक की जंग में वही जो थे, जो सैनिक जो भर्ती हुए 1942 में, वो देश को बचा पाए। तो इसी से जाहिर होता है कि फौज का, शस्त्रों का और देश की अस्मिता का या निजी अस्मिता का कितना आपस में ताल्लुक है, इसको कुछ दोहराने की जरूरत नहीं।